देखिए ये मेरा अगले साल जैसे 31 को मैं परफॉर्म करने वाली हूँ दुबई में, उससे पहले मेरा ये परफॉर्मेंस मैं आपको डेडिकेट करती हूँ, आप सबको, मीडिया वालों को, और वहाँ पे आग लगा, उससे पहले यहीं पे आग लगा रही हूँ मैं आप लोगों को, मतलब बता रही हूँ ये चिंगारी है सिर्फ, ये सिर्फ चिंगारी है जो मैंने परफॉर्मेंस किया है, असली आग लावा निकलना तो बाकी है, वो अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, वो दुबई में मैं अंगार लगाऊंगी। जब परफॉर्म मैं करती हूँ तो फिर काफ़ी पसीने निकलते हैं और सामने वालों के भी पसीने निकालती हूँ मैं जी, बिकॉज़ 2013 में जो जितने भी आइटम सॉन्ग्स या जितने भी सॉन्ग्स आए हैं वो बहुत ही पैपी और बहुत ही हिट और बहुत ही कैची है, तो मैंने सारे आइटम्स जो सॉन्ग्स हैं सभी सारे परफॉर्मेंस मैंने इस बार 31st नाइट में मैंने लिए हैं दुबई में। आप देख सकते हैं कि मैंने एक सांस में ये पूरा परफॉर्म किया है, आप देख सकते हैं, सिर्फ मतलब कोई कट वट कुछ भी नहीं, एक सांस में मैंने ये 15-20 मिनट की एंट्री की है, तो आई हैव लॉट ऑफ स्टेमिना और जब मैं डांस करती हूँ तो बिल्कुल नहीं रुकती हूँ जी। मैं तो हमेशा सबको चैलेंज देती हूँ, चाहे एक्टिंग में हो, चाहे रियलिटी शो में हो, चाहे डांस में हो, चाहे लफड़े करने में हो, कोई भी चीज़ में मैं हमेशा कंपटीशन देती हूँ हर किसी को। वैसे आपकी फेवरेट, और मैं तो पहले आपको कह रही हूँ सारे आइटम गर्ल को रखो एक तरफ मुझे रखो, उन्हीं के गाने किए हुए मैं उनके सामने ऐसे परफॉर्म करके दिखा दूंगी कि वो बेहोश हो जाएंगी, सब गिर जाएगी नीचे, लेट जाएगी जी। इसलिए मैंने यहाँ बिकॉज़ मुझे अच्छे गाने ऑफ़र नहीं हो रहे थे और वो गाने ऑफ़र हो रहे थे जो मुझे नहीं करने थे, और बीच में मेरी एक इंजरी भी हो गई थी तो इसलिए मेरा लेग इंजर्ड हो गया था एक एक्सीडेंट से, तो आई वॉज एट होम, डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए मना किया था, बट आई एम परफेक्ट टुडे।